नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। वास्तु से लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, खास करके जो लोग नए मकान खरीद रहे हैं कि जी क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं जो हूँ आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जो आप लोगों के सवाल जो आप लोग मुझसे पूछते आ रहे हैं उनके जो है जवाब मैं इस सीरीज़ के थ्रू दूंगी। तो इसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि जैसे मैंने कहा जो लोग नया घर खरीद रहे हैं उनसे संबंधित हैं, जो लोग नए घर में ना रह के पुराने घर में रह रहे हैं पर उनको वास्तु से संबंधित उनके दिमाग में भी कुछ सवाल हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो भी कुछ ऐसे सवाल हैं उनके भी मैं जवाब दूंगी। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वास्तु से रिलेटेड हों या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हों, तो आप लोग प्लीज़ वो क्वेश्चंस मुझे भेजें और मैं उन सब के जवाब आपको देना चाहूँगी। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि घर ऐसा हम ले सकते हैं जिसके सामने मंदिर है या अस्पताल है। देखिए, जो वास्तु के जो टेक्स्ट हैं, जो पुरानी किताबें जो लिखी हुई हैं वास्तु की जो किताबें हैं, उसमें तो ये मेंशन्ड है कि जी ऐसी जगह पे घर ना लें जिसके सामने मंदिर हो या अस्पताल हो। उसके पीछे जो कारण दिया हुआ है ये कारण है कि जी मंदिर में जो है हम जाके हम जो है अक्सर दुखी होते हैं या दुखी मन से जो है भगवान के आगे जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। अस्पताल में भी जो है हम बीमार होते हैं तभी हम जाते हैं। तो एक नेगेटिव एनर्जी को लिंक किया गया है कि जी मंदिर में जो है परेशानियों के सब परेशान होते हैं तभी हम ज़्यादा जाते हैं, या अस्पताल तो हम सर्टनली बीमार होते हैं तभी हम जाते हैं। तो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो यदि आपका घर जो है अस्पताल या मंदिर के सामने होगा तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर पर असर करेगी। अब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की थी, हमने ऐसे कई घर लिए जो कि अस्पताल या मंदिर के सामने थे और ये देखा कि वो घर अगर अंदर से पूरी तरह से वास्तु कंप्लायंट हैं या बाकी पैरामीटर्स वास्तु के उन घरों पे पूरी तरह से अप्लाई होते हैं, प्रॉपरली अप्लाई किए हुए हैं, तो उन घरों में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये भी देखा कि ऐसे घर जो कि शायद किसी मंदिर या अस्पताल के सामने नहीं हैं पर उनमें अगर वास्तु सही से अप्लाई नहीं किया तो उनको शायद दिक्कतें आ रही हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि यदि आपका घर जो है मंदिर के सामने है या अस्पताल के सामने है तो वास्तु के हिसाब से वो सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यदि आप जिस घर में अंदर से जो आपका घर है अगर वहाँ पे आपने वास्तु पूरी तरह से प्रॉपरली अप्लाई किया है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।